हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपराध पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बाद भी राजधानी में 2021 में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि दर्ज की। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि शहर में 2020 की तुलना में 2021 में अगर आप देखें तो घटनाओं में करीब 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। ये सभी बातें इसी सप्ताह पुलिस मुख्यालय में वार्षिक लेखा जोखा पेश करते समय बताई गई है कि दिल्ली में क्राइम रेट कितना है, सरकार कितना आगे है, जो प्रशासन है कह सकते हैं कि कितनी शक्ति दिखा रही है और कितनी समस्याएं अभी भी दिल्ली में व्याप्त है। तो चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और समझते हैं दिलों की राजधानी दिल्ली के। वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले वर्ष राजधानी में जघन अपराध के साथ कुल आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। 2020 की तुलना में 2021 में अधिक मामले सुलझाने का दावा पुलिस कर रही है, जबकि वर्ष 2020 में कोरोना के कारण से कम मामले दर्ज हुए थे, जिसके कारण अभी 2021 में अपराध की दर सबसे अधिक दिख रही है। 2020 में 266,070 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर 2021 में 306,389 ये टोटल मामले हैं। वहीं 2020 में 5,413 जघन अपराध, 2021 में 5,740 जघन अपराध के केस दर्ज हुए हैं। पिछले वर्ष आईपीसी की नई धाराओं जैसे चोरी, डकैती और सेलमारी के कुल 287,563 मामले, जघन अपराध व चोरी के 293,303 मामले, स्थानीय और विशेष कानून जैसे हथियार संबंधी अपराध जो हुए हैं उसके 13,086 मामले दर्ज हुए। 2021 में लगभग 70% मामले सेधमारी, डकैती व चोरी के थे। तो इस तरह से आपको लगेगा कि यार इस तरह से लग रहा सारी जो समस्या है या जो सारे अपराध है वो दिल्ली में ही हो रहे हैं। 2020 में 7,965 झपटमारी, 2021 में 9,383। तो इस तरह से झपटमारी में करीब 15% की वृद्धि हुई। दिल्ली पुलिस की माने तो 91% मामलों में आरोपी जो होते हैं पहली बार अपराध करते हैं। इस तरह से अगर रेप के मामले में देखें तो 99%, वाहन चोरी के मामले में 90%, वहीं छीना झपटी के मामले में 87% ऐसे मामले आए हैं जिसमें पहली बार कोई अपराध किया। वहीं चोरी के मामले में 5 वर्षों में केवल 4% की कमी आई है। इसके बाद भी हर महीने दिल्ली में करीब 3,000 वाहन चोरी हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप आंकड़े देखें तो 2020 में 33,128 वाहन चोरी हुए हैं, 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 36,177 और सबसे अधिक किसकी चोरी हुई है, बाइक की। इस तरह से 26,432 बाइक एक साल के अंदर दिल्ली में चोरी हुई। इस तरह से अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं तो अपनी बाइक को सुरक्षित। वहीं कार के आंकड़े देखे जाए तो 6,441। महिलाओं की स्थिति की बात किया जाए तो इस रिपोर्ट में सबसे गड़बड़ स्थिति महिलाओं की बताई गई है। दिल्ली पुलिस दावा करती है कि राजधानी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, लेकिन हर वर्ष महिलाओं से जुड़े अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है। अनजान लोगों से ज्यादा अपने ही महिलाओं की आबरू लूट रही है। तो इस तरह से इस आंकड़ों से समझा जाए, जैसे बलात्कार के मामले में 21.69% की वृद्धि, महिला उत्पीड़न में 17.51% की वृद्धि, छेड़खानी में 2.43% की वृद्धि दिल्ली में देखी गई है। सिर्फ 1.5% अनजान लोगों ने इस अपराध को किया है, तो बाकी कौन लोग हैं जो इस तरह से अपराध को कर रहे हैं, जबकि 11% पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी आसपास आप देख लीजिएगा कि कितने खतरनाक है। वहीं 13% रिश्तेदार हैं, 46% या 46% आरोपित महिलाओं के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इस तरह से जब भी आपसे बात किया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि रोड पे मत निकलो, नहीं तो कोई कुछ कह देगा। दिल्ली में अगर सीनियर सिटीजन की बात किया जाए, जो बुजुर्ग हैं उनकी हाल क्या है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के खिलाफ 9% अपराध बढ़े हैं। जैसे 2020 में 34 मामले आए थे जिसमें लूट और हत्या थे, वही 2021 में यह बढ़कर 37 हो चुके हैं जिसमें 13 हत्या और 24 लूट के मामले शामिल है। दिल्ली में 41,113 बुजुर्ग पंजीकृत हैं जो किसी न किसी कारण से अकेले रहते हैं, वही 1417 ऐसे मामले आए हैं जो बुजुर्गों से जुड़े हैं। तो इस तरह से देखा जाए, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, उसी तरह से बुजुर्गों के खिलाफ भी अपराध लगातार हर वर्ष बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में सड़क हादसे और इसमें मौतों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। जैसे 2020 में 3,976 हादसे हुए थे, वही 2021 में ये बढ़कर 4,512 हो चुके हैं, लगभग 13% की वृद्धि हुई है। 2021 में 1,206 हादसे हुए थे जिसमें 1,239 लोगों की मौत उसी समय हो चुके थे। 2020 में 1,163 हादसे और 1,196 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से 125 स्थानों पर गति उल्लंघन और 43 स्थानों पर रेड लाइट के जो मामले आए हैं वो सामने आए हैं। पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जो पुलिस होती है उसने 1,74,166 मैनुअल चालान किए और 10,71,712 अदालती चालान किए, जिसमें करीब 9.5 करोड़ रुपए की वसूली इस तरह से किया गया। वर्ष 2020 में हत्या के 472 मामले, तो 2021 में 459, जिसमें 3% की कमी हुई है। इसी तरह से अगर आप देखें तो 2020 में 689 दंगे हुए थे, 2021 में घटकर सिर्फ 67 रहे हैं। इस तरह से देखेंगे तो इसमें 90% की कमी आई है। तो इस तरह से देखेंगे कि कहीं पे बढ़ी है तो कहीं पे कमी आई है। ये सच बात है कि पुलिस की निगरानी के कारण से अपराध में तो कमी आई है, लेकिन नशीली पदार्थों और हथियारों की तस्करी आज भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मामले तो कम आए हैं लेकिन जब्त जो सामान आए हैं वो कई गुने आए हैं। जैसे 2020 में 88 किलो हीरोइन जब्त हुआ था,
जो 2021 में बढ़कर 647, कहीं कहीं आंकड़े आप देखेंगे तो 649 बताया गया है। तो इस तरह से 649 किलो बरामद हुए हैं। तो अगर आप पिछले वर्ष से तुलना करें तो करीब 8 गुने आए हैं। जबकि कोरोना महामारी के समय जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था और आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित था, तब भी बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की जो तस्करी है बहुत ही तेजी से हुए। इसी तरह से गांजा, चरस और अफीम की बरामदी में भी वृद्धि हुई है। जबकि दिल्ली के सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक्स जो स्क्वाड टीम होती है वो बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने नकली मुद्रा के खिलाफ आरबीआई और कस्टम विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया। 2020 में 1,39,00,000 की नकली मुद्रा जब्त हुई और 32 मामले दर्ज हुए। वहीं 2021 में 2 करोड़ की नकली मुद्रा और 35 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2020 में पुलिस ने 2006 अवैध हथियार बरामद किए। इसके साथ गोला बारूद की आपूर्ति में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के धार, बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस के साथ लगातार बैठक की जा रही। इसके बाद ये भी हम बात करते हैं कि किस तरह से दिल्ली में कितनी हत्याएं होती हैं। जैसे 36% दुश्मनी के कारण से, 30% अचानक उत्तेजना में आकर, 9% अपराध से संबंधित, वही 10% हत्या के अन्य किसी कारण से, 12% जुनून में आकर। तो इस तरह से आप बताइए कि कोई कारण होता है किसी की हत्या करने या किसी को कोई परेशान करना, ऐसे कारण दिल्ली में सामने। इस रिपोर्ट के साथ दिल्ली पुलिस की जो प्राथमिकता है, किस पर फोकस करती है दिल्ली पुलिस, उसको भी हमें समझना होगा, जिसके माध्यम से हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा कि किस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी सक्षम है और किस तरह से काम कर रहे हैं। हर शिकायत पर केस दर्ज करना, महिलाओं की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्वोत्तर के लोगों, ईसाइयों से संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उसकी सुरक्षा, गुमशुदा बच्चों को खोजना, स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग करना, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, इस तरह से इस पर फोकस किया गया है। दोस्ताना व्यवहार, पारदर्शिता लाना, आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बेहतर करना, यातायात संचालन और वाहन चालकों की सुरक्षा, सड़कों पर होने वाले अपराध पर रोक लगाना, हर जगह पुलिस की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराना। तो इस तरह से कई ऐसे और पॉइंट है जिसके माध्यम से ये तय होता है कि जो दिल्ली की पुलिस है वो किन किन चीजों पर फोकस कर। इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के सामने कई समस्याएं भी हैं, जैसे राजधानी के लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता, अनियमित बसावट और इसमें रहने वाले लोगों के अलग अलग वर्ग, लोगों में सामाजिक मूल्यों का पतन और परिवार का बिखराव, इंटरनेट मीडिया द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता और क्षमता न होने के बाद भी लोगों की ऊंची रहन सहन की जो ख्वाहिश होती है, इसी तरह से पारिवारिक जो दबाव है, दिल्ली के खुले बॉर्डर जिनसे अपराधी भागने में सफल हो जाते, यह भी एक चुनौती बन चुकी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और अशिक्षा जो पूरे देश भर में फैली हुई, तो ऐसे में दिल्ली में तो फैलेगी क्योंकि देश की राजधानी है, जहां पे सबसे अधिक लोग इस तरह से रोजगार के लिए या कोई भी इस तरह से काम करने के लिए जाते हैं। वीडियो के अंतिम पॉइंट के रूप में बात किया जाए कि उपलब्धि क्या है और आगे की रणनीति, जिस तरह से अभी बताया गया है कि आगे की रणनीति दिल्ली में क्या क्या परिवर्तित किया जाएगा, जो आने वाले समय में सभी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आयुक्त अस्थाना ने अपनी और पुलिस के अन्य सभी विभागों की खूब पीठ थपथपाई है और अपराध का कारण कोरोना को बताया। क्या इसके पहले इस तरह से अपराध नहीं हो रहे थे? तो इस तरह से एक सवाल यहाँ पे बन भी जाता है। आयुक्त के अनुसार 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 25 से 30 लाख लोगों को हमेशा आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में करीब 1,28,00,000 वाहन है जो रजिस्टर्ड है। अभी दिल्ली में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि 15,000 और लगाए जाएंगे। सरकार ने आरडब्ल्यू मार्केट संघों के साथ मिलकर 2,00,000 कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा। डिजिटल क्रांति के दौर में आतंकवाद और अपराध के नए रूप सामने आ रहे हैं, इसलिए भविष्य में आतंकी घटनाओं व दंगों को रोक लगाने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का अपना एफएम रेडियो होगा जो आम जनता को पुलिस की कार्यशैली और सावधानी बरतने की जानकारी देता है। पुलिस आने वाले दिनों में मोबाइल फोन के IMEI नंबर को बंद करने पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि झपटे या चोरी किए गए मोबाइल फोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल चोरी की घटनाओं को एकदम कम किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए सड़कों पर झपटमारी एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। 2022, 2024 और 2030 को ध्यान में रखकर दिल्ली का अगले 25 वर्षों का रोड मैप जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि G20 समिट के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन दिल्ली में होने हैं। दिल्ली पुलिस को 14 प्रभागों में बांटा गया, जिससे निर्णय लेने और कम से कम संसाधनों में अधिकतम सुरक्षा किया जा सके। दिल्ली पुलिस में 94,358 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 78,363 कर्मी ही तैनात हैं। दिल्ली में 1,00,000 की आबादी पर 368 पुलिसकर्मी हैं, जो एक अच्छा अनुपात माना जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी राज्य। पुलिस की बढ़ती निगरानी के कारण से पिछले वर्ष दिल्ली आतंकी हमलों से सुरक्षित रहे। स्पेशल सेल ने 13 आतंकी पकड़े। PCR को जिला पुलिस के साथ मिलाने से कई फायदे हुए हैं, जैसे थानों में 6,000 पुलिसकर्मी बढ़े हैं, तो वही 790 वाहन जुड़े हैं। PCR के पहुंचने का जो समय पहले 7.5 मिनट था, वो अब घटकर 4.3 मिनट हो चुका। युवाओं में बढ़ती अपराध की दर को देखते हुए दिल्ली पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है और अपराध की दुनिया से बाहर आने के लिए कई योजनाएं भी यहां पे शुरू की गई है। पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अधिक वारदात वाले इलाकों की पहचान कर नाकेबंदी और निर्माता कंपनियों से वाहनों में फैक्ट्री फीटेज जो GPS होती है उसको लगाने को कहा गया। इसके साथ ही सभी चोरी के वाहनों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया जा रहा है। विकसित देशों की तरह निजी सुरक्षा गार्ड, माली, घरेलू सहायक, चौकीदार को पुलिस का हिस्सा बनाया जा रहा है और अब पुलिस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों की गति
अनुशासन व सड़क सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। इस जारी आंकड़े से पुलिस ने मामले सुलझाने में सक्रियता तो दिखाई है, लेकिन अपराधों में अंकुश लगाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इसके साथ ही बढ़ता साइबर क्राइम, बच्चों का शहरों से गायब हो जाना भी दिल्ली में चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही पूरे भारत देश में एक चुनौती बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो कितना है, किस तरह से किन किन सेक्टरों में बढ़ा हुआ है। तो मैंने लगभग 10 ऐसे पॉइंटों के माध्यम से इस वीडियो में बात किया कि किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी शहर में कितना क्राइम है और कितना नहीं है, किस तरह से घटा है, कितना बढ़ा है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर वो दिल्ली के हैं तो जरूर देखें, और दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं या भारत के कहीं के भी हों तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।